महान संगीतकार, गायक, गीतकार रविंद्र जैन ने अपने सुरमई संगीत, खनकती आवाज और भावभीने गीतों से संगीत जगत में जो स्थान बनाया, वो किसी किसी को ही नसीब होता है। आंखों में रोशनी नहीं होने के बावजूद उन्होंने अपने मधुरिम संगीत से दुनिया को रोशन किया। रविंद्र जैन को उनके चाहने वाले दादू कहा करते थे। दादू जिस करिश्माई अंदाज से आशु कवि की तरह तुरंत गीतों की रचना कर दिया करते थे, उसी करिश्माई अंदाज से वो उन्हें सुरों में पिरोते थे और गाते भी थे। रविंद्र जैन ने मन की आंखों से दुनिया को समझा। सरगम के सात सुरों के माध्यम से उन्होंने जितना समाज से पाया, उससे कई गुना अधिक अपने श्रोताओं को लौटाया। मन्ना डे के दृष्टिहीन चाचा कृष्णचंद डे के बाद रविंद्र जैन दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने दृश्य श्रव्य माध्यम में केवल श्रव्य के सहारे ऐसा इतिहास रचा जो सभी के लिए अनुकरणीय बन गया। रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 में उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित इंद्रमणि जैन और माता किरण देवी जैन थी। जन्म से ही उनकी आंखें बंद थी। पिता के मित्र डॉक्टर मोहन लाल ने सर्जरी से खोला, साथ ही ये भी कहा कि बालक की आंखों में रोशनी है जो धीरे धीरे बढ़ सकती है, लेकिन इसे कोई काम ऐसा मत करने देना जिससे आंखों पर जोर पड़े, रविंद्र जैन के पिता ने डॉक्टर की नसीहत को ध्यान में रखकर संगीत की राह चुनी जिसमें आंखों का कम उपयोग होता है। रविंद्र जैन ने अपने पिता और भाई की आज्ञा शिरोधार्य कर मन की आंखों से सब कुछ जानने समझने की सफल कोशिश की। बड़े भाई से आग्रह कर अनेक उपन्यास सुने, कविताओं के भावार्थ समझे, धार्मिक ग्रंथों और इतिहास पुरुषों की जीवनियों से जीवन का मर्म समझा। वे बचपन से इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि एक बार सुनी गई बात को कंठस्थ कर लेते जो उन्हें हमेशा याद रहती। परिवार के धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक माहौल में उनका बचपन बीता। वे प्रतिदिन मंदिर जाते और वहाँ एक भजन गाकर सुनाना उनकी दिनचर्या में शामिल था। बदले में पिताजी एक भजन गाने पर ₹1 इनाम भी दिया करते थे। अपनी दोस्त मंडली के साथ रविंद्र जैन गाने बजाने की टोली बनाकर अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन के आसपास मंडराया करते थे। उनके दोस्त के पास टिन का छोटा डिब्बा था जिस पर थाप लगाकर वे गाते और हर आने जाने वाले का मनोरंजन करते। रविंद्र जैन ने कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, वहाँ के रविंद्र संगीत के बारे में काफी सुन रखा था। ताऊ जी के बेटे पद्म भाई ने वहाँ चलने का प्रस्ताव रखा तो वो फौरन राजी हो गए। इत्तेफाक से उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता राधेश्याम झुनझुनवाला से हो गई और उनके जरिए कोलकाता में उन्हें संगीत सिखाने की एक ट्यूशन मिली। मेहनताना था चाय के साथ नमकीन समोसा। पहली नौकरी बालिका विद्या भवन में ₹40 महीने पर लगी। इसी शहर में उनकी मुलाकात पंडित जसराज और पंडित मणिरत्नम से हुई। नई गायिका हेमलता से उनका परिचय हुआ। वे मिलकर बांग्ला और अन्य भाषाओं में धुनों की रचना करने लगे। इस बीच उन्हें ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग कंपनी से ऑफर मिलने लगे। एक पंजाबी फिल्म में हारमोनियम बजाने का मौका मिला। वो सार्वजनिक मंच पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगे। इसी सिलसिले में वो अभिनेता संजीव कुमार के संपर्क में आए। वर्ष 1968 में राधेश्याम झुनझुनवाला के साथ रविंद्र जैन मुंबई आए तो पहली मुलाकात पार्श्व गायक मुकेश से हुई। रामरिक मनहर ने कुछ महफिलों में गाने के अवसर जुटाए। नासिक के पास देवलाली में फिल्म पारस की शूटिंग चल रही थी। संजीव कुमार ने वहाँ बुलाकर उन्हें निर्माता NNCP से मिलवाया। रविंद्र जैन ने अपने खजाने से कई अनमोल गीत और धुने एक के बाद एक सुनाई। श्रोताओं में शत्रुघ्न सिन्हा, फरीदा जलाल और नारी सिप्पी भी थे। उनका पहला फिल्मी गीत 14 जनवरी 1972 को मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। रामरिक मनहर के जरिए राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बरजातिया से मुलाकात रविंद्र जैन के फिल्म करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। सन 1973 में फिल्म सौदागर आई थी। ये फिल्म जहां अमिताभ बच्चन के करियर की शुरुआती फिल्म थी, वहीं रविंद्र जैन के करियर की भी शुरुआती फिल्म थी। अमिताभ और नूतन की ये फिल्म बहुत सफल नहीं रही, लेकिन इसका संगीत पसंद किया गया। इस फिल्म के गीत हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ,
सजना है मुझे सजना के लिए और दूर है किनारा गहरी समय की धारा खासे लोकप्रिय हुए। फिल्म सौदागर में रविंद्र जैन संगीतकार के साथ साथ गीतकार भी थे। फिल्म सौदागर का एक गीत था तेरा मेरा साथ रहे। इसके लिए बड़ी कोशिशों के बाद लता मंगेशकर से डेट मिल पाई थी। गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी तभी उन्हें पिता के निधन की सूचना मिली। बड़ी कशमकश के बाद आखिरकार उन्होंने रिकॉर्डिंग पूरी की और फिर अपने घर गए। फिल्म सौदागर के बाद से रविंद्र जैन और राजश्री के सरगम का कारवां आगे बढ़ता गया। तपस्या, चितचोर, सलाखें, फकीरा के गाने लोकप्रिय हुए और फिल्म संगीतकारों में रविंद्र जैन का नाम स्थापित हो गया। दीवानगी के समय सचिन देव बर्मन बीमार हो गए और ये फिल्म उन्होंने रविंद्र जैन को सौंप दी। एक महफिल में रविंद्र जैन और हेमलता गा रहे थे, श्रोताओं में राज कपूर भी थे। गीत था एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। इसे सुनते ही राज कपूर झूम उठे। उन्होंने पूछा, ये गीत किसी को दिया तो नहीं? पलट कर रविंद्र जैन ने कहा, राज कपूर को दे दिया है। बस यहीं से उनकी एंट्री राज कपूर के शिविर में हो गई। आगे चलकर राम तेरी गंगा मैली का संगीत रविंद्र जैन ने ही दिया। फिल्म और संगीत दोनों बेहद लोकप्रिय हुए। इसके बाद राज कपूर नहीं रहे। उनका सपना था फिल्म हिना बनाने का, जो उनके बेटे रणधीर कपूर ने पूरा किया। हिना में भी संगीतकार रविंद्र जैन ही थे। इस फिल्म का संगीत भी काफी लोकप्रिय हुआ। रविंद्र जैन की संगीत यात्रा में फिल्म चोर मचाए शोर का संगीत लीक से हटकर रहा। इस फिल्म का गीत ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसकी लोकप्रियता आज तक बरकरार है। इसी फिल्म का एक और गीत है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। ये गीत किशोर कुमार के श्रेष्ठतम गीतों में से एक है। चोर मचाए शोर का संगीत जहाँ तड़क भड़क के साथ गंभीरतापूर्ण भी था, वहीं फिल्म चितचोर में उनके संगीत में शास्त्रीयता का बड़ा ही सुंदर पुट था। इस फिल्म के दो गीतों का जिक्र होता है, जब दीप जले आना जब शाम ढले आना और तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले संग गा ले। इन दोनों ही गीतों ने संगीत रसिकों को सुगम संगीत का वो खोया हुआ एहसास लौटाया, जो उन दिनों फिल्म संगीत से गायब होता जा रहा था। इस संगीत ने दक्षिण से हिंदी फिल्मों में आए गायक यशुदास और हेमलता को भी काफी प्रतिष्ठा दिलाई। चितचोर के अन्य गीतों में आज से पहले आज से ज्यादा और गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा भी बहुत लोकप्रिय हुए। राजश्री प्रोडक्शन की कई फिल्मों के लिए रविंद्र जैन ने संगीत दिया। ये वो संगीत है जो हमेशा सुना गुनगुनाया जाता रहेगा। फिल्म नदिया के पार के गीत कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया और साची कहे तो रे आवन से हमरे जबरदस्त लोकप्रिय हुए। इस फिल्म ने सफलता के नए रिकॉर्ड बनाए और इसमें इसके संगीत का बड़ा खास योगदान था। इससे पहले सन 1978 में रविंद्र जैन के संगीत से सजी एक फिल्म आई थी, अखियों के झरोखे से। इस फिल्म का टाइटल गीत अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे और कई दिन से मुझे कोई सपनों में संगीत रसिकों के मन में ऐसे बसे कि आज भी सुने जा रहे हैं। शुक्रवार 9 अक्टूबर 2015 को मुंबई में उनका निधन हो गया। दादू आज भले ही हम सभी के बीच न हो, लेकिन उनका कर्णप्रिय, भावपूर्ण और करिश्माई संगीत हम सभी के बीच रहकर हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए White Ink Entertainment. Namaskar.